का ध्यान मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, बहनों को पूरी तरह सुविधा देगा। राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा इस देश में विकसित होने की जरूरत आदरणीय राहुल गांधी जी को है। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फिट करने के लिए उम्मीदवारों के नाम को तय करने को लेकर दिल्ली में बीती रात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जहां पर शामिल होने के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे थे, जिसके बाद आज सम्राट चौधरी वापस पटना आ चुके हैं। जिसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया, इसके साथ साथ चिराग पासवान को लेकर जितनी कयासे जन्म ले रही है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि महागठबंधन उन्हें 10 सीटों का ऑफर दे रहा है। जहां तक एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान अपनी पुरानी सीटों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। इसी बीच अचानक से दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होना और उसके बाद अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कुछ क्लियर नहीं होना अनेकों बातों और कयासों को जन्म देती है। ऐसे में महागठबंधन लगातार ये कोशिश कर रही है कि एनडीए में टूट हो और चिराग पासवान उनके साथ आ जाए। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी समझौता चिराग पासवान, पशुपति पारस या बीजेपी के साथ अन्य घटक दल जो है उसमें नहीं हो पाया है, जिसके कारण अभी तक सीट शेयरिंग का मामला कुछ क्लियर नहीं है। ऐसे में जब सम्राट चौधरी बीती रात बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक के बाद जब लौटकर पटना पहुंचे हैं, तो उन्होंने सीधा प्रहार राहुल गांधी को लेकर कह दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा विकसित होने की ज़रूरत उन्हें ही है। इसके साथ जब उनसे चिराग पासवान या सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी पूछा गया, तो वे किसी भी सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए हैं। इसके साथ आज वुमेन्स डे के अवसर पर जो गैस सिलेंडर की रेट कम हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने इसकी सराहना की है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। सर, प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर में 100 रुपए का दाम, 100 रुपए आज महिला दिवस के दिन महिलाओं को तोहफा दिया, कैसे देखते हैं? सर, राहुल गांधी कहा जा रहा है कि इस बार फिर वायनाड से लड़ेंगे, उनकी कांग्रेस की सीट से कल ये तय किया है कि राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा इस देश में विकसित होने की जरूरत आदरणीय राहुल गांधी जी को है। कांग्रेस पार्टी अपने चौथी पीढ़ी को लेकर लड़ी,